चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आपके जो यहाँ से माननीय सांसद जी हैं, उनका कार्यकाल आपने हमने देख लिया, इससे यही पता लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार का फायदा हमारे क्षेत्र को हो सकता था, वो उनकी कमी के कारण आप तक हम तक पहुंच नहीं पाया। हमारे आपके विकास के लिए ये चुनाव है, हमारे संविधान का चुनाव है, देश की सरकार बनाने का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है। अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी एक जाति के लिए, किसी एक वर्ग के लिए काम करे, ऐसा हमारे क्षेत्र में भी हुआ है और ये बहुत अफसोस की बात है। और आज जो मान सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, मुझे भी बताया गया कि गांव में एक भी मुस्लिम वोट नहीं है, तो ये जो मान सम्मान आपने मेरा बढ़ाया है यहाँ पे, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। पूरे 5 साल चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं आपके बीच आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके सुख दुख में शामिल होने के लिए मैं हमेशा आपके बीच रहूंगी। यहाँ पर मौजूद सभी बड़े बुजुर्ग और भाई, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हमारी बात सुनने के लिए, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आप जानते हैं हम किस मकसद से आपके बीच में आए हैं। लोकसभा का चुनाव है, आने वाली 19 तारीख है, साइकिल का हमारा निशान है और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि ये न सिर्फ देश का बल्कि हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि का भी चुनाव है। आपके जो यहाँ से माननीय सांसद जी हैं, उनका कार्यकाल आपने हमने देख लिया, हर जगह से एक ही बात सुनने को मिलती है कि वो कहीं नहीं गए, किसी का काम नहीं हुआ, तो इससे यही पता लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार का फायदा हमारे क्षेत्र को हो सकता था, वो उनकी कमी के कारण आप तक हम तक पहुंच नहीं पाया, इसीलिए आज हमारा क्षेत्र पिछड़ गया है। कोई कहीं हाईवे ज़रूर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और हाईवे की भी बात यह है कि जब हम गाड़ी लेते हैं, एक रोड टैक्स तो हम तब देते हैं और बनने से पहले ये टोल टैक्स लगा देते हैं, तो ये तो खरीदारी का सौदा है, हम पैसे दे रहे हैं और हमें सर्विस मिल रही है। इसमें आपकी हमारी लाभकारी जो सरकार के जरिए हमें मिलनी चाहिए लाभकारी योजना, वो कुछ नहीं है, वो आती हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से लेकिन वो नहीं आ पाई। तो ये हमारे आपके विकास के लिए ये चुनाव है, हमारे संविधान का चुनाव है, देश की सरकार बनाने का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है। और मेरे पिताजी भी यहाँ से पहले जनप्रतिनिधि रहे हैं और वो बिना किसी भेदभाव के सभी का काम करते थे, उन्होंने कभी ये सीख नहीं दी कि किसी एक जाति का काम करें। अगर कोई उनके पास आता था, वो ये भी नहीं पूछते थे कि वोट दिया या नहीं दिया, वो पहले काम करते थे और बाद में वोट के लिए कहते थे। तो मैं उनकी बेटी, आपकी सबकी बेटी बहन आपके बीच में आई हूँ और मेरे पिताजी ने हमेशा यही सीख दी है हमें कि कोई भी नेता हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, उसकी कोई बिरादरी नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। और अगर वो किसी एक धर्म का पक्षपात करने लगे या किसी एक बिरादरी की तरफ झुकाव करने लगे, तो वहीं से नेता का पतन शुरू हो जाता है। और ये जनता के साथ ही उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी एक जाति के लिए, किसी एक वर्ग के लिए काम करे, ऐसा हमारे क्षेत्र में भी हुआ है और ये बहुत अफसोस की बात है। आप सब इस बात से वाकिफ हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ और आज जो मान सम्मान आप मुझे दे रहे हैं,
मुझे भी बताया गया कि गांव में एक भी मुस्लिम वोट नहीं है। तो ये जो मान सम्मान आपने मेरा बढ़ाया है यहाँ पे, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसे सर्व समाज का प्यार और सम्मान आपने मुझे दिया है, मैं आपसे ये भी वादा करती हूँ कि मैं सर्व समाज की बेटी बनकर रहूँगी। मैं किसी एक समाज की एक जाति की बेटी कभी नहीं बनूँगी। और मैं आपसे ये भी वादा करती हूँ कि जिस तरीके से आज आप मुझे प्यार दे रहे हैं, पूरे 5 साल चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं आपके बीच आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके सुख दुख में शामिल होने के लिए मैं हमेशा आपके बीच रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इकरा सिंह जी। सभी भाई एक बार बहुत जोर से